मुंबई के समुद्र में अल खलीजिया और चित्रा जहाज की जो टक्कर हुई थी उसके बाद तट पर फैले कचरे और तेल से वहां का समुद्री जनजीवन प्रदूषित नहीं हुआ है, क्योंकि मुंबई के समुद्र से आई मछली में प्रदूषण की जांच के लिए लिए गए जो 138 सैंपल थे उनमें से किसी भी सैंपल में प्रदूषण नहीं पाया गया है। मछलियों में प्रदूषण की यह जांच बीएमसी ने करवाई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता अभिषेक चौधरी के पास। अभिषेक, हालांकि पहले से ही लोगों को ये चेतावनी दे दी गई थी कि वो मछली न खाएं, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद जाहिर है थोड़ी राहत होगी। जी हाँ, फिलहाल क्योंकि जिस तरह से बीएमसी के जो असिस्टेंट कमिश्नर है मार्केट डिपार्टमेंट के, उन्होंने 138 मछलियों का सैंपल लिया और ये जो मछलियां थी ये उस टाइप की मछलियां हैं जो लोकल यहाँ पाई जाती है। अब इसमें एक बात ये है कि जून महीने से मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में बल्कि, मच्छी का जो बिजनेस है इस पर पाबंदी लगा दी जाती है, क्योंकि ये ब्रीडिंग सीजन होता है मानसून का और 15 अगस्त के बाद से ही इसके लाइसेंसेस इशू होते हैं। लेकिन 1 अगस्त से ही कई जो छोटे मछुआरे होते हैं वो गैर कानूनी तरीके पे मछलियां पकड़ना शुरू करते हैं और ये मछलियां मार्केट में मिलती है। तो डर यही था कि ये जो मछलियां जो गैर कानूनी तरीके से मार्केट में आई है, इन मछलियों में तेल का जो रिसाव है ये मिला हो सकता है। तो ऐसे कई मछलियों के सैंपल्स लिए गए और उसमें किसी जो सैंपल बीएमसी ने लिए उसमें कहीं पर भी कोई कंटेमिनेशन नहीं दिखा, मगर इसके बावजूद भी बीएमसी वो एडवाइजरी जो है उसे मेंटेन कर रही है। उनका कहना है कि मच्छी आप अगर खाना चाहते हैं तो सावधानी बरते, फिलहाल उन्होंने जो जो सिटीजन है उनको अपने हाल पे ही छोड़ दिया है, कोई भी क्लियर कट अभी तक इन्फॉर्मेशन बीएमसी ने इस बारे में नहीं दी है। जी शुक्रिया अभिषेक। अभिषेक चौधरी मुंबई से ये जानकारी दे रहे हैं कि भले ही मछलियों को जहरीला नहीं पाया गया है, इसके बावजूद जो एडवाइजरी है कि मछली न खाएं अभी कम से कम कुछ दिनों तक कायम है।